यहीं पर हमने खड़े होकर थोड़ा उस गेट तक जाना हमने एससी साहब भी यहीं है तो हमने सर्कल ऑफिस में भी इनको क्या पता यहीं से हो गया है और मेनली आगे के लिए जो आज शाम को हमारे ज्वाइंट फ्रंट का जो भी अगला डिसीजन होगा अगर वार्ता के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और उसमें हमें एक गारंटी मिलती है कि ये चीजें हमें इस तरह से मिलेंगी और ये जो पोस्टें हमारी बॉलिश हुई हैं और आगे के लिए ना हो ये सारे का सारा धरना प्रदर्शन इसलिए है कि कुंजा के लिए नहीं है जो इससे आगे वाली लिस्ट है वो ना निकले। ये कोई कुंजा सीटों की लड़ाई नहीं है कि कुंजा पोस्टें हुई है काशी ड्राइवर निकले इससे आगे जो बहुत लंबी लिस्टें बनी हुई है आपके डिविजन ऑफिस बंद करने के लिए कोस्ट कटिंग को तो इन्होंने बहाना लगाया हुआ है। तो मेरा आगे के लिए अनुरोध रहेगा कि जब भी अगली कॉल जो भी आती है तो उसमें बढ़ चढ़ के हमारे स्पेशली एम्प्लॉई जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉई है क्योंकि रात के टाइम में मैसेज डालते हैं व्हाट्सएप मैसेज एक तो बंद करो जी वहां पर ज्यादा बड़े ऊंचे ऊंचे संस्कार देते हैं। ये नौकरियां भी हमें पुराने बुजुर्गों की लड़ाई लड़के मिली हुई है 2013 में अगर यूनियन ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो 15 में पोस्टिंग नहीं होती और 1030 पोस्ट 2 साल से फंसी हुई है जो हमारी सर्विस कमेटी ने अप्रूव की हुई है और एडवर्टाइजमेंट चल रही है बाकी कुछ नहीं है उसका तो कहां पर रह रही होगी यूनियन ने क्या किया। ये सारा जो है हमारे बुजुर्ग जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं उनकी लड़ाई लड़ी हुई है उसका हम खा रहे हैं और जो हम करेंगे वो आगे के बच्चे खाएंगे और उसमें आप भी सारे लोग हैं जो यंग ब्रिगेड है भाई। तो इसी बात से धन्यवाद जो भी आएगी अपडेट आपको शाम तक कर दी जाएगी। धन्यवाद। मैं धरना समाप्ति से पहले व्यस्त बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जो आप हमारे एक छोटे से कहने पे आप यहाँ पे आए और हमें अपना कीमती समय दिया और हमारी आवाज को बुलंद किया। तो मैं सभी एम्प्लॉई से अनुरोध करूंगा कृपया करके गेट तक जाएंगे अभी तो ये अंगड़ाई है आगे बढ़ो लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई
सर क्या मांगे आपकी आज सोशल कर रहे हैं? सर जो हमारी आज मांगे हैं, जो पिछले 16 तारीख के जो ऑर्डर निकले हैं जिसमें हमारी कार्बन पोस्ट इंजीनियर कैडर की जो अबॉलिश की गई है और काशी जो हमारे ड्राइवर है जिनको सर्विस से बाहर निकाला गया है जो 1 तारीख से लागू होंगे उसका विरोध कर रहे हैं। और सेकंड हमारा जो है वो ओपीएस के रिगार्डिंग रहेगा, जो ओपीएस लगातार 2 साल से हमें वो मीठी गोली वाला ही काम हो रहा है कि देंगे जरूर, पहले देने की बात करते थे, अब तो उन्होंने सब कमेटी बनाई और रिसोर्सेज पूछ रहे हैं। तो बिजली बोर्ड से बड़ा रिसोर्सेज मुझे नहीं लगता कि किसी एजुकेशन वाले में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, कहाँ पर ये प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो वहाँ पर पेंशन लागू हो सकती है। तो हमारा तो बिजली बोर्ड ऑटोमेटिकली आज की डेट में जो बेचता है वो प्रॉफिट में ही बेच रहा है, वो गलत नीतियों का कारण है कि जिसके कारण हम लॉस में जा रहे हैं। तो हमारा ओपीएस के रिगार्डिंग रहेगा और सेकंड इनका जो सब कमेटी का रुझान था कि हमने अफसरशाही को बंद करना है, खत्म करना है और नीचे की भर्ती हमने स्टार्ट करनी है। तो उसमें कथनी और करनी का आपको अपने आप फर्क महसूस होगा कि मई 2023 में 1030 पोस्टें जो हमारी फीडिंग कैटेगरी की थी जिसमें हमारे टीममेट थे, सबस्टेशन हेल्पर थे या अदर जो भी कैटेगरी है उनकी पोस्टों की स्वीकृति मिली हुई है कैबिनेट से, जो आज तक जिसकी अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो हमारी ये भी डिमांड रही कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्दी से लागू किया जाए और जो आगे के लिए जो हमारा ट्राइफिकेशन हो रहा है जिसमें जनरेशन बींग अलग कर रहे हैं, ट्रांसमिशन और ऑपरेशन बींग को अलग अलग करने जा रहे हैं, तो उसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि ऑपरेशन में जो हमारी जो मेंटेनेंस जो हमारा वन एम चार्जेज है वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। तो इनको अलग करने के बजाय आप यहीं पर रखें।
अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा आज का जो ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पे हमारे जिसमें हमारी सभी इंजीनियर एम्प्लाई और पेंशनर संघ जो है सारे इसमें, उनका आज दोपहर के टाइम में हमारी कॉलिंग थी कि दोपहर को हमने बाहर निकलना लंच ब्रेक में, तो आज शाम को जो भी अगली हमारे ज्वाइंट फ्रंट की जो भी कॉल होगी उसको हम उसी तरह से फील्ड में करेंगे, उसका शाम तक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।